हिंदुओं का नव वर्ष अब शुरू हो गया है। इस अवसर पर ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्था के प्रणेता महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के आदेश के अनुसार सारण के गरखा क्षेत्र के जलाल बसंत पंचायत अंतर्गत मोहरमपुर गांव से प्रोफेसर नंद कुमार यादव के आवासीय परिसर से एक विशाल शोभा यात्रा विहंगम योग संस्था के माध्यम से निकाली गयी, जिसमें हाथी घोड़े तथा विवेगम योग संस्था का बैनर एवं पताका लिए हुए संस्था के सदस्य विश्व शांति एवं भाईचारे की भावना को लोगों तक पहुंचाने हेतु एक शोभा यात्रा निकाली गई है। इस शोभा यात्रा में महिलाएं हाथों में कलश लिए हुए तथा ब्रह्म विद्या विहंगम संस्था से जुड़ी हुई आध्यात्मिक संदेशों भारत किताब लिए कर्तव्य तरीके से जलाल बसंत पंचायत अंतर्गत कई गाँव जिसके बंगारी जगदीश नारायणपुर रहमपुर होते हुए पुनः मोहरमपुर फ्लेक्स गोदाम के पास आकर सम्पन्न हुई। सदाफल देव जी महाराज के स्लोगन एवं उनके कार्य सिद्धि को जन जन तक पहुंचाना एवं शांति का संदेश देना है। उनका मूल्य मकसद रहा कि सनातन धर्म के उत्थान एवं सर्व समाज की कल्पना के लिए इस तरह का आयोजन इस संस्था द्वारा समय समय पर किया जाता है। उक्त बातें प्रोफेसर नंद कुमार यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम में संत समाज से जुड़े प्रोफेसर नंद कुमार यादव, उमनेश्वर सिंह, वृद्धानंद ब्रह्मानंद सिंह, उदय प्रताप प्रसाद, डॉक्टर कृष्ण प्रसाद, ब्रजमोहन कुमार, प्रिंस कुमार, राजेश कुमार, सुनील कुमार, रवि कुमार, रविंद्र कुमार आदि कई गणमान्य लोग एवं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद थी। आज के इस कार्यक्रम को लेकर संत समाज से जुड़े हुए लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट। सनातनों के अनुसार नव वर्ष का आगमन हो गया, इसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है आज और किस संस्था के माध्यम से क्या बताया जा रहा समाज के लोगों को? हम भी जाते हैं नवयुवक संस्थान जो है जो सदाफल देव जी महाराज द्वारा विख्यात है। इसमें भाईचारा का शांति मिलती है। आध्यात्मिक विकास होता है आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक पहुँचे है जो अद्वितीय कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? यह कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है? पंचायत आप आपका क्या नाम पड़ेगा और इस संस्था में आप किस पद पे हैं? हम इसमें बोले सत्संग प्रभारी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रोफेसर नंद कुमार। यह जो है यह संकल्प यात्रा कहाँ कहाँ घूमेगा? ये बंगारी चौक जाएगी, बंगारी से होते हुए जगदीशपुर नारायणपुर रामपुर में होते पुनः यही सनातनों का यह नौ वर्ष चालू हो गया, इसको लेकर आपकी संस्था की ओर से आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? संस्थान के तरफ से नौ वर्ष के शुभ अवसर पर पूरे विश्व में अमन चैन और शांति के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है यह स्वर्वेद यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से जन जन तक यह संदेश दिया जाता है कि हम सभी अमन चैन आपसी सहयोग प्रेम सौहार्द से रहे और जो भी वर्ष चले सब लोग मिलकर रहे, जिसमें आपको ये जो आर्थिक द्वंद्व चल रहे हैं या द्वंद्व से मुक्ति के लिए यह जो विहंगम योग संस्थान है यह नौ वर्ष के उपलक्ष में यह कार्यक्रम रखा है। आपका क्या नाम है और इस संस्था में मिश्र इस संस्था में किस कार्य पे उपदेष्टा है? छपरा जिला के।